नमस्कार दोस्तों, आज के इस टॉपिक को हम लोग देखने से पहले वो सवाल जवाब कर लेते हैं। आप में से कई लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं कि आखिर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों के किसान ही आंदोलन क्यों कर रहे हैं। मध्य प्रदेश या फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड, बिहार, इस जगह के किसान क्यों आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं? तो आपसे ही कुछ क्वेश्चंस, मतलब सवाल पूछता हूँ, उसके जवाब आपको ही नीचे देना है कमेंट बॉक्स में। आप जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। कितने लोगों की रिपोर्ट लिखी जाती है, एफआईआर कितनी महिलाएं करवाती हैं? आप देखते हैं कि बाल मजदूरी हमारे देश में करवाई जाती है, कितने लोगों की एफआईआर लिखी जाती है? दबे कुचले लोगों की, समाज में हमारे जो भी दबे कुचले लोग हैं उनका शोषण किया जाता है, कितने लोगों के नाम एफआईआर होती है? 1947 के पहले भी आप लोग जाइए, सबका शोषण हो रहा था, कितने लोग आवाज उठा रहे थे? 1857 की क्रांति का फैल होने का कारण यही था कि सभी लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन आपने देखा है कि 1947 आते आते सभी लोगों ने भाग लिया, तब जाकर आजादी हमें मिली हुई थी। तो इसी तरह आप देखिए कि बुंदेलखंड के किसानों की हालत आप लोग जानते हैं, फिर चाहे बिहार के किसान हो, मध्य प्रदेश के किसान हो, इन लोगों की हालत आप ही नहीं दुनिया जानती है कि इनके पास खाने के लिए भी अच्छे से नहीं होता है, तो ये लोग कहाँ आंदोलन करेंगे? और आंदोलन करेंगे जो जागरूक हैं वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास सुविधा ही नहीं है इतनी कि वो अपनी फसल अच्छे से उगा सके। तो आप समझिए, पंजाब और हरियाणा के किसान किसान नहीं है, आप समझिए वो वीआईपी जिंदगी जीते हैं, वो मेहनत करते हैं। उनके बच्चे देखेंगे आप लोग की वीआईपी स्कूलों में पढ़ेंगे। एक तरफ बुंदेलखंड के किसानों की आप स्थिति देखिए, उनके बच्चों की स्थिति देखिए आप लोग। तो इसीलिए आप लोग समझिए कि किसान शोषण सबका हो रहा है। और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि जो कानून आए हुए हैं इनमें किसानों का ही शोषण होगा। जिस तरह आप देखते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई भी है, कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। आपने देखा होगा कि निजीकरण किया जा रहा था रेलवे का, उस समय भी मैंने कहा था कि उस समय भी कुछ लाभ होंगे, कुछ एक तरह से हानि भी होगी। कुछ लोगों को लाभ होंगे, कुछ लोगों को क्या होगा, नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा उस समय? आप जानते हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन यानी कि आप देखें निजीकरण किया जाएगा तो सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन उन सुविधाओं को हर कोई अफोर्ड यानी कि क्रय नहीं कर सकता है, यानी कि नहीं खरीद सकता है। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि आपने सफर किया होगा, तो एक सरकारी बस चलती है, एक प्राइवेट बस चलती है। प्राइवेट बस में आपको वीआईपी सुविधा मिलेगी, हो सकता है कि अच्छी बस हो तो एसी भी मिल जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ आप सरकारी बसों में अगर यात्रा करते हैं तो उसका किराया सबसे कम रहता है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं रहती है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, उसी सरकारी बसों से यात्रा करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि वो एसी वाली बस में जा सके। तो आपको समझना होगा अभी भी। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता हूँ, मैंने तो नहीं देखा अपनी जिंदगी में, क्या एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए किसान को कुछ अपनी फसल बेचने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ती थी? मैंने तो देखा है कि सभी जाते थे किसान, एक राज्य से दूसरे राज्य बेच के आते थे। तो इस सामान्य जानकारी आपको याद रखना चाहिए, और याद रखिए मुझे नहीं लगता है कि गुलामों और एक तरह से अंधभक्तों में कुछ डिफरेंट मतलब अंतर होता है। बस फर्क इतना है कि अंधभक्त, जो अंधभक्त होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि सही क्या है गलत क्या है, और जो गुलाम होते हैं उन्हें गुलामों को पता होता है कि गलत ये है और सही है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो यही हाल है। तो आप देखिए, और कभी मुझे लगता है कि समाधान बातों से ही निकलता है। आप किसी के जिंदगी के बारे में फैसला कर रहे हैं, कम से कम उससे तो पूछ लेना चाहिए। आप किसानों के लिए कानून बनाए हुए हैं आप लोगों ने, आपको कम से कम उसके बारे में उन लोगों से सलाह तो ले लेनी चाहिए थी। समझ रहे हैं आप लोग, ये हाल है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए, और मुझे लगता है ये समाधान कभी नहीं है कि आप कोई आंदोलन कर रहा है तो उसे आतंकवादी बता दीजिए, खालिस्तानी बता दीजिए, या आप कह दीजिए पॉलिटिकल मोटिव आंदोलन। एक किसी भी बात का समाधान नहीं है। ये बातें जो लोग करते हैं वो बेवकूफों की तरह लगते हैं कि अगर कोई अपने हक की लड़ाई भी लड़ रहा है, आंदोलन भी कर रहा है, तो उन्हें कुछ भी कह दीजिए आप लोग। इससे पहले आपने देखा होगा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे, धुआंधार आंदोलन कर रहे थे, तब अंग्रेजी सरकार द्वारा, अंग्रेजों द्वारा इन्हें भी आतंकवादी कहा जाता था, इन्हें भी एक तरह से देशद्रोही कहा जाता था।
तो आप समझिए कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। जो चुप बैठे रहते हैं वो चुप ही रह जाते हैं, इतिहास भी उन्हें चुप ही बैठा देता है। इतिहास में आज हम लोग क्यों पढ़ते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव? क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए, उन्होंने ऐसा देश के लिए किया, आपके लिए, हमारे लिए किया। जो आज हम लोग सांस ले रहे हैं, जो भी आज मिला हुआ हमें, उन्हीं लोगों की सबकी देन है। ठीक है, चलिए इस आर्टिकल को जान लेते हैं। इससे पहले आप लोग देख लीजिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें भारत आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर पड़ोसी देशों की बात करें हम लोग, तो आप देखेंगे कि यहाँ श्रीलंका है आपका, ये म्यांमार है जिसे आप लोग पहले बर्मा कहते थे, ये बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, ऊपर चाइना है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय कृषि मंडी प्रणाली के बारे में। इससे आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बनते रहे हैं और आपकी लिखित परीक्षा में भी क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से चर्चा में बने हुए हैं तो आ सकता है। हाल ही में केंद्र द्वारा लागू नए कृषि सुधार कानून के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में किसानों का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। केंद्र सरकार के अनुसार इन कृषि कानूनों, विशेषकर कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 का उद्देश्य निजी मंडियों की स्थापना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाना है। ये मंडियां बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर देंगी और किसान किसी भी खरीदार को अपने उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। एक देखा होगा आप लोगों ने कि प्राइवेट स्कूल खोले गए पहले, तो प्राइवेट स्कूलों में क्या रहती थी कि पहले ठीक स्थिति थी, कम फीस ली जाती थी। बाद में आपने देखा है कि सरकारी स्कूलों की हालत ठप हो गई, नीचे चली गई और सरकारी प्राइवेट स्कूल उठते गए। आज आप देखते हैं कि एक आम आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि उसकी हालत इतनी नहीं है, आर्थिक हालत, कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से पैसा खर्च कर सके। तो इसका एक ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है मंडियों के साथ भी। और अधिकतर मामले में आप देखते होंगे कि बिचौलिए का मतलब गलत मत निकालिए आप लोग। बिचौलिए का मतलब होता है कि आप समझिए कि आपको जब पैसे की जरूरत है तो आप अपने सेठ के पास जाते हैं, उससे लेते हैं, और जब आप समझिए आपको जरूरत नहीं होती है, आप उसका वापसी पैसा कराते हैं। एक तरह से आपने देखा होगा घर परिवार की तरह आप दोनों रहते हैं, एक खत्म होने का, रिश्ता खत्म होने की भी संभावना है। हालांकि प्रदर्शनकारी किसान इन दावों को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि अगर मंडियां कमजोर होती हैं तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति किसी मजबूत प्रतिबद्धता के बगैर ही निजी बाजारों के विस्तार को प्रोत्साहन किया जाता है, तो इससे समय के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का क्षरण होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहने का मतलब होता है एमएसपी। एमएसपी का कहने का मतलब सीधा सा है कि आपकी फसल बोने से पहले फसलों का जो भी मूल्य है उसे निर्धारण कर दिया जाता है। इससे जो भी निर्धारित मूल्य होता है, निर्धारित, उससे कम पर आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। ये कौन खरीदेगा? सरकार खरीदेगी। और आप बाध्य नहीं है, अगर आपको बाजार में सरकार ने जो निर्धारित मूल्य किए थे उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आप बाजार में भी बेच सकते हैं। ठीक है, और किसानों का, अधिकतर किसानों का मैंने देखा है इंटरव्यू, तो उसमें कहा जा रहा है उनके द्वारा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की एक कानून लाइए, उसमें इसे भी लागू कर दीजिए कि कोई अगर इससे कम में खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, ऐसे में किसानों के इस विरोध प्रदर्शन ने देश में कृषि मंडी प्रणाली और उससे जुड़े सुधारों के गहन विश्लेषण की आवश्यकता को रेखांकित किया है, ताकि भारत के अन्नदाताओं के लिए कृषि की व्यवहारिकता को सुनिश्चित किया जा सके। और एक बात और याद रखिए आप लोग, जो लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा क्या जा रहा है, किसानों का जा रहा है, देखिए जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं, जो हमारी आर्मी है, जो हमारे सैनिक हैं, वो अधिकतर किसानों के बेटे मिलेंगे आपको। तो बाहरी दुश्मनों से आपकी सुरक्षा कौन करता है? वो लोग सैनिक हमारे। और अंदर आपने देखा होगा महामारी के टाइम आपकी रक्षा किसने की है? किसानों ने। और इन दोनों के, अगर इनका दोनों का अस्तित्व ना रहे तो आपकी कोई औकात नहीं है एक तरह से। समझ में आए? जो देश की आर्मी पर या किसानों पर उंगली उठाते हैं वो एक समझ लीजिए बात, अगर आप चैन से सांस ले रहे हैं, फिर चाहे आप कितने भी बड़े, मतलब कोई भी रईस हो, आपको इन दोनों की मदद की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और समझ लीजिए अपने हिसाब से जो भी आपको देखना है। अगर हम बात करें मंडियों के उदारीकरण का लाभ, तो बराबरी, सरकार द्वारा लागू किए गए कानून किसानों को बगैर किसी शोषण के, भय के प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसमें किसानों का फायदा भी है और किसानों का नुकसान भी है।
तो आप देखेंगे कि बराबरी का कहने का मतलब है कि आप पहले भी इनसे जो भी बिचौली मतलब थोक विक्रेता है इनसे आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं कि हम ये फसल बोएंगे। इस तरह से नहीं रहता है आप कि मैं खरीद लूंगा, आप ये फसल बोइए, ठीक है। पर आप देखेंगे अनिश्चितता का समाधान, इन सुधारों के माध्यम से किसान निजी कंपनियों के साथ अनुबंध भी शामिल हो सकेंगे जो बाजार की अनिश्चितताओं के जोखिम को किसानों से लेकर प्रायोजक को हस्तांतरित कर देगा और यह किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर आदानों की पहुंच के लिए सक्षम बनाएगा। कहने का मतलब यह है कि अभी आप देखते होंगे कि कई किसान ऐसे भी हैं कि जिनके पास सुविधा नहीं होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन लोगों से डील कर सकते हैं, वो इन्हें मशीनें इस अच्छी उपलब्ध कराएंगी, अच्छा बीज उपलब्ध कराएंगी, उसके बाद ये लोग खेती कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, ठीक है। इनसे क्या, इससे क्या होगा कि उनकी जो भी आर्थिक स्थिति होगी उसमें सुधार होगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे निजी क्षेत्र की भागीदारी, एक कानूनी सुधार राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक कृषि उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना और कृषि अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने हेतु उत्प्रेरक का काम करेंगे। बिचौलियों के हस्तक्षेप की समाप्ति, इन कानूनों के माध्यम से किसान विपणन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकेंगे जिसमें बिचौलियों के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया जाएगा और किसानों को अपनी उपज का पूरा मूल प्राप्त होगा। ये क्या है, आपके प्रॉफिट है, यानी कि किसानों के लाभ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मंडी प्रणाली के समाप्त करने की संभावित चुनौतियों की बात करें तो FTFC अधिनियम के पीछे एक बड़ी अवधारणा यह भी रही है कि कृषि उपज विपणन समितियां जिसे आप लोग APMC द्वारा नियंत्रित मंडियों का ग्रामीण क्षेत्रों के क्रय बाजार पर एकाधिकार रहा है और किसी बाजारों के उदारीकरण से किसानों को अपनी उपज के का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। हालांकि भारतीय कृषि संगठनात्मक संरचना किसानों को उनके उत्पादों को कृषि बाजारों से बाहर बेचने के लिए विवश करती है। मंडियों के बाहर उत्पादों की व्यापक बिक्री, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार धान और गेहूं के मामले में क्रमशः मात्र 29% और 44% उपज को ही मंडियों में बेचा जाता है, जबकि 49% धान और 36% गेहूं की उपज स्थानीय या अन्य निजी व्यापारियों को बेची जाती है। कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा जो सुविधा उठा दी जाती है उसका लाभ कुछ ही किसान ले पाते हैं। अधिकतर मामलों में आपने देखा होगा अपने गांव में भी अपने ही किसानों को देखा होगा अपने आसपास के, वो अपने किसी सेठ को बेचते हैं, यानी कि व्यापारी को बेचते हैं जो निजी रूप से लेता खरीदता है, ठीक है। मंडियों की अपर्याप्त संख्या, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि देश में मंडियों को इस प्रकार मजबूत किया जाना चाहिए कि कोई भी किसान मात्र 1 घंटे में अपनी गाड़ी से मंडी तक पहुंचने में सक्षम हो। इस प्रकार एक मंडी के लिए निर्धारित सेवा क्षेत्र को औसतन 80 वर्ग किलोमीटर से कम होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा सोसाइटी, जैसे आप लोग सामान्य तौर पर कह देते हैं जो सरकार खरीदती है वो सोसाइटी एक तरह से इस तरह की मंडियां रहती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि आप जब जाते हैं तो कई दिन लग जाते हैं आपको अपनी फसल एक तरह से तुलवाने में और बेचने में, ठीक है। और आप देखते होंगे कि आपके घर से भी कई किलोमीटर दूर रहती हैं मंडियां और आपका सेठ क्या करता है कि आपके घर आता है और फसल खरीद के चला जाता है, आपको घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये भी प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर किसानों को आप ये सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं कि 1 दिन में जाएंगे वो अपनी फसल जो भी रहेगी उसको देके लौट आएंगे और पास में ही उनकी मंडी होगी तो वो आराम से जा सकते हैं। हालांकि वर्ष 2019 तक देश में कुल 6630 मंडियां थी जिनका औसत सेवा क्षेत्र 663 वर्ग किलोमीटर था। ऐसे में वर्तमान में देश में मंडियों की संख्या कम करने के बजाय उनकी संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और अब बात करते हैं सीमांत किसानों की अधिकता, देश में आप देखेंगे लगभग 86% कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व छोटे अथवा सीमांत किसानों के पास है। इन किसानों के लिए विपणन योग्य अधिशेष सीमित होने के कारण मंडियों तक की परिवहन लागत को वहन करना किफायती नहीं होता है और परिवहन लागत की चुनौती से बचने के लिए अधिकांश किसानों को अपनी उपज गाँव के व्यापारियों को ही बेचनी पड़ती है, भले ही कम कीमत पर क्यों ना बेचना पड़े। अब आप सोचिए कि आपके पास 10 क्विंटल हुई, 5 क्विंटल फसल हुई तो आप क्या चाहते हैं कि वहां तक जाने में बहुत खर्च आएगा, इसलिए गांव में ही बेच देते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों के बाद भले ही निजी बाजार पारंपरिक मंडियों का स्थान ले लें परंतु मंडियों के व्यापक तंत्र के अभाव में छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज की बिक्री के लिए स्थानीय व्यापारियों पर ही निर्भर रहना होगा।
अब बात करते हैं उदारी के कृषि बाजारों में निजी निवेश की कमी। तो देश के कई राज्यों में पहले से ही किसानों को सरकारी मंडियों के बाहर अपनी उपज को बेचने की स्वतंत्रता दी गई है। तो यही तो बोला है मैंने आप लोगों से कि देखिए आप लोगों को ये एक तरह से बाध्यता नहीं है आपके कि आप मंडियों में ही अपनी फसल बेचिए। अगर आपको कोई व्यापारी भी एक तरह से अच्छा मूल्य दे रहा है तो आप उसे भी बेच सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर भी अपनी फसल बेच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश के 18 राज्यों में एपीएमसी के बाहर निजी मंडियों की स्थापना के साधन, इन मंडियों को सीधे किसानों से उनकी उपज खरीदने की अनुमति दी गई है। इन विधायी परिवर्तनों के बावजूद इन राज्यों में निजी बाजारों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र से कोई महत्वपूर्ण निवेश देखने को नहीं मिला है। कृषि बाजारों में निजी क्षेत्र के निवेश में कमी का सबसे बड़ा कारण उत्पाद संग्रह और एकीकरण में उच्च लागत का होना है। इसके अतिरिक्त छोटे तथा सीमांत किसानों की अधिकता के कारण यह लागत और भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि अधिकांश खुदरा श्रृंखलाएं सीधे किसानों की बजाय मंडियों से ही बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां खरीदना पसंद करती हैं। अब बात करते हैं उच्च मूल्य से जुड़े साक्ष्यों का अभाव। तो आप देखेंगे कि वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय निजी बाजारों से भी इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिले कि इन बाजारों में किसानों को एपीएमसी की तुलना में अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। आप अधिकतर मामले में देखते होंगे कि कम ही मूल्य में प्राप्त होता है। सरकार जो भी निर्धारित करती है एमएसपी, उससे कम पर ही ये व्यापारी खरीदते हैं, ठीक है। बल्कि यही लेन देन की लागत मंडी करों से अधिक होती होती है, तो इस लागत को किसानों को कम कीमत पर हस्तांतरित किया जाएगा, अर्थात इसके कारण किसानों का पर दबाव और अधिक बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि एपीएमसी प्रणाली कमजोर होती है और निजी बाजार पर्याप्त रूप से उनका स्थान नहीं लेते, तो उस स्थिति में इस क्षेत्र में एक बड़ी रिक्तता की स्थिति बन सकती है। और ऐसी आशंका भी बनी हुई है कि इसका स्थान गैर विनियमित व्यापारियों द्वारा लिया जाएगा, जिससे किसानों की चुनौतियां और अधिक बढ़ सकती हैं। आगे की राय क्या हो सकती है? मंडी अवसंरचना में मात्रात्मक सुधार की बात की जा रही है। भारत के वर्तमान कृषि विपणन परिदृश्य को देखते हुए देश के सभी हिस्सों में मंडियों के घनत्व में वृद्धि के साथ मंडी बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने और न्यूनतम समर्थन प्रणाली को ज्यादा क्षेत्रों फसलों तक विस्तृत करने पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। एक तरह से मंडियों की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है और जो एमएसपी होता है इसे अधिक फसलों पर लागू करना चाहिए और मुझे लगता है कि एक कानून में ले आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश के किसानों की हालत क्या है, समझ रहे हैं? कई हिस्सों में आप देखते हैं कि किस तरह से प्रभावित हैं, तो कम से कम उनके एक आप देखते हैं कि एक न्यूनतम राशि तो मिलनी चाहिए उन्हें। और हमारे प्रधानमंत्री साहब आप जानते हैं कहते हैं कि 2022 तक दोगुनी किसानों की आय करेंगे, तो इस तरह से आय इनकी दोगुनी नहीं हो सकती है, इन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। इन्हें जो आप देखते थे किसान क्रेडिट कार्ड की, तो ये भी इन्हें इन्हें ऋण भी मुश्किल से मिलता है किसानों को, तो ये भी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे बिचौलियों से बच सकते हैं या व्यापारियों से ऋण नहीं लेंगे। और व्यापारियों से आप जानते हैं कि ऋण लेते हैं तो कितना इन्हें ब्याज देना पड़ता है उस पर, ठीक है। इस दिशा में अपेक्षित सुधार लाने के लिए मंडी कर के रूप में प्राप्त राजस्व का प्रयोग व्यवस्थित रूप से पुनः एपीएमसी में निवेश के लिए किया जाना चाहिए, ताकि कृषि बाजार अवसंरचना को मजबूत बनाया जा सके। इस संदर्भ में पंजाब मंडी बोर्ड का उदाहरण अनुकरण योग्य है, जहां इस राजस्व का उपयोग ग्रामीण सड़कों के निर्माण, चिकित्सा और पशु चिकित्सा औषधालय चलाने, पीने के पानी की आपूर्ति, स्वच्छता में सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार और आपदाओं के दौरान किसानों को राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। एक अच्छा काम है, उनका पैसा उन्हीं में खर्च हो। मंडी अवसंरचना में गुणात्मक सुधार। वर्तमान में न केवल मंडियों की संख्या में वृद्धि की जाने की आवश्यकता है, बल्कि बेहतर मंडियों की भी आवश्यकता है। एपीएमसी में बड़े आंतरिक सुधारों की आवश्यकता है, जिससे नए निवेशकों या फिर व्यवसायियों के प्रवेश को आसान बनाने के साथ व्यापारियों को मिलीभगत को कम किया जा सके और मंडियों को राष्ट्रीय ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जा सके। व्यापारियों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय लाइसेंस की शुरुआत और बाजार शुल्क के लिए सिंगल प्वाइंट लेवी भी मंडियों के गुणात्मक सुधार की दिशा में यानी कि पॉजिटिव कदम होगा। फिर आप देखेंगे आकारी के मितवेता में सुधार। निगमों के साथ किसानों की मोलभाव करने की शक्ति को तभी बदला जा सकता है जब कृषि क्षेत्र की आकारी मितवेता में पर्याप्त वृद्धि की जाए, अर्थात किसी को आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक बनाते हुए कृषि अवसंरचना तंत्र को और अधिक व्यापक किया जाए।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत किया जाना बहुत ही आवश्यक है। लास्ट में आप कह सकते हैं कि भारतीय कृषि विपणन सुधारों के लिए भारत के कृषि बाजारों की शोधार्थी बारबरा हैरिस वेराइट से प्रेरणा ली जानी चाहिए। इसके अनुसार विनियमित त्रुटिपूर्ण बाजारों की तुलना में गैर विनियमित त्रुटिपूर्ण बाजारों की समस्या में वृद्धि की संभावना अधिक होगी। यही प्रॉब्लम है आपकी जो भी भारतीय कृषि मंडी प्रणाली से संबंधित, इसके लाभ भी आप लोगों ने देख लिए हैं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस समय मुझे लगता है कि क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। और वैसे क्वेश्चंस ना आए तब भी आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप भी इसी देश में रह रहे हैं, आप भी किसानों पर निर्भर हैं एक तरह से, ठीक है।